छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास की परिकल्पना को सार्थक करने के लिए छत्तीसगढ़ विजन 2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए जीडीपी को दुगना करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रोसेस में सभी का सहयोग जरूरी है। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए पूरे देश की जनता मन बनाकर बैठी है। छत्तीसगढ़ के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट, एक रोड मैप के साथ हम 1 नवंबर 2024 को आ रहे हैं। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 इस विजन डॉक्यूमेंट के साथ, और 5 सालों में 5 लाख करोड़ की जीडीपी को डबल करते हुए 10 लाख करोड़ की जीडीपी करने का भी लक्ष्य लेकर विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। इस पूरे प्रोसेस में सभी लोगों का सपोर्ट जरूरी है, और इस विजन डॉक्यूमेंट को हम हर दृष्टिकोण से तैयार कर रहे हैं। आज पर्यावरणीय दृष्टिकोण से कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, बट एट द सेम टाइम पर्यावरण को भी कैसे हमको सस्टेन करना है, इकोलॉजी को भी हमको कैसे बचा कर चलना है, इसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए आज का ये सेशन रखा गया था। और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वातावरण में छत्तीसगढ़ के सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, इंटरप्रेन्योर्स, इन सब की उपस्थिति में आज का ये वर्कशॉप हुआ है। और निश्चित रूप से इस तरह के प्रयासों से एक अच्छा विजन डॉक्यूमेंट बन करके 1 नवंबर को हम प्रस्तुत कर पाएंगे, और आने वाले वर्षों और दशकों में छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर काम कर पहुंचाने के लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे।